हुजैफा क्लिनिक मौजूद है, यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। भाई साहब यही डॉक्टर चेक कर रहे हैं जी? मैं आज पहली बार आई हूं। वैसे चेक यही कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। ये पेशेंट बैठा हुआ है, इसे मेडिसिन लेता है, कसूर किसका है? आप कह के गए हैं मोहतरम MBBS का नाम लगा के PMDC लेके आप कहते हैं मैं इसको बिठा के गया हूँ हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री लेना इनका काम है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की पनिशमेंट पता है? पता है सर आपकी PMDC कैंसिल हो सकती है, आपका रोजगार 30-35,000 बंद हो सकता है। किस बात में कर रहे हो? पीछे कर रहे हो? तेरे पास है एक मिनट सर, सारे मौजूद हैं, देखिए इनकी वीडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो फिर किस बात में, ये बदमाशी है इनकी? यार चुप कर तू, और चुप कर क्या तू, तू क्या हर चीज कैमरे पे दिखाई सर? सर जी मेरे चले जी फाइल पहले तैयार। यार इसको आपने हाथ नहीं अब लगाना, मुंह में देना। आपको कह रहा हूँ हाथ नहीं लगाना, मुंह में देना मेरे। आप इसे हाथ नहीं लगाना, इधर है, आपने इसे हाथ नहीं अब लगाना। हेलो आप कहाँ से जा रहे हैं? इसे हाथ लगा के देखें, आप इसे हाथ लगाएं, इसे दोबारा इस लोगों को टच करके देखें। मैं आपको कह रहा हूँ टच करें इसे, इन्हें पकड़े जी, FIR दें। ये आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी, पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं। हमारे साथ CEO हेल्थ है, असिस्टेंट कमिश्नर है, और ये सारी की सारी हायरार्की जो है वो आमिर चिश्ती हॉस्पिटल को सील करेगी। यहाँ आपको बड़ी तादाद एडिक्ट्स की नजर आएगी, वो हाथ हिलाते हुए, वो खुशी का इजहार करते हुए कि उनको यहाँ से ऑपरेशन करके बाजियाब करवाया जाए। तोड़ फोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया और वो गेट तोड़ा जा रहे हैं। आमिर चिश्ती हॉस्पिटल का गेट टूट गया, वो देखें आमिर चिश्ती हॉस्पिटल का गेट टूट गया। मैडम कहाँ इन्हें शिफ्ट करेंगे? मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे बोर्ड हमारा मौजूद है इस वक्त, ये पहले से वर्किंग कर ली गई हुई है। सबको बारी बारी बसेस में लोड किया जाएगा और यहाँ से आमिर चिश्ती हॉस्पिटल। आप खुश हैं? आई नहीं, बहुत खुश हूँ। क्या वजह है, इधर तशद्दुद करते हैं? और खुश हो? खुश है भाई जान, क्या वजह है? रोटी बिल्कुल पानी के साथ देते हैं, मारते हैं, बहुत मारते हैं सर जान से, मारते हैं, बहुत मारते मारते हैं यहाँ, मारते जुल्म करते हैं। हाँ जी बहुत। खाना देते? खाना पानी जैसी दाल। ये रिहैबिलिटेशन नाम नेहाद का हाल है। आप इधर 300 बंदे से पूछेंगे एक ही सवाल के, मारते हैं खाना मिलता है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा बिग नो। आप पे यहाँ जुल्म किया जाता है? मारते किस तरह? सर बेलचों के साथ मार मार के गर्दन काटते हैं, नून मिर्चे लगा देते हैं छतों पे। ऑपरेशन का सिलसिला जारी है पुलिस का, क्योंकि इस सामने बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था। ये वो सारे बच्चे हैं जी जिनकी कम उम्र है, और चिश्ती हॉस्पिटल से इन्हें यहाँ डिटेन किया गया था। इस कमरे में 70-80 बंदा होता है? 70-80 है, और उसमें सिर कैसे सो जाता है 70? ये जमीन के ऊपर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके। 2000 नान इन्होंने पिछले हफ्ते लगवाया था, वो खराब हो गया, वो ही इन्होंने खिलाया। पानी यहाँ से आएगा, हम यहाँ से पियेंगे, जो बोलेगा उसको यहाँ पे बंद कर देंगे। लाहौर न्यूज जिंदाबाद, लाहौर न्यूज जिंदाबाद, लाहौर न्यूज जिंदाबाद, लाहौर न्यूज जिंदाबाद। जनाब बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रगुजार है पूरा इदारा, इदारा आपका शुक्रगुजार। आमिर चिश्ती अस्पताल जो है इसे सील कर दिया गया है इनकी जान। प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फहद शहबाज खान। आपने एडिक्शन सेंटर है यहाँ पर जी? उस एडिक्शन सेंटर को मैं विजिट करने आया हूं, देखने आया हूं। जरूर करें। तो हमें आप करने दें। हाँ जी, तो ये आप कितने लोग मुझे देख रहे हैं? नहीं ये तो हमारी कंपेन है ना जी, ये हमारी एंटी को, आप बीच में ना आए आप तो, बल्कि आपको तो ये लाजमी स्वीनियर दे के जाएंगे। अगर मेरी बात सुने, मैं पिछले 24 साल से ये काम कर रही हूँ, मेरे दो दायरे थे, एक निस्बत रोड पे और एक ये। मैं एंटी नारकोटिक्स वालों के साथ भी काम कर रही हूँ और UNODC के साथ भी। हमारा जो लिंक है वो आप देख लें कि UNODC के साथ ऑन है। हाँ ये जब से ये अदारों के बारे में चला है, अच्छा है आप मीडिया पे मेरी ये बात जो है पूछा। मैडम इस तरह एंटी क्वेकरी कैंपेन जो है उसको उसको प्रमोशन मिलेगी, वो बेहतरी आएगी उसमें। मैं और मेरे हस्बैंड दादे मनशियात के हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, हम ये अदारा चलाते हैं। हमने अपना घर बंद करके इनके साथ रहना शुरू किया, हमने इन पर नहीं छोड़ा कि हम अपने स्टाफ पे छोड़ के और रात को घर पे चले जाएं, ये नहीं किया। साथ है जी हमारे मुतलका टीम साथ है, DDHO साथ साहब है, मैडम साहिबा जो है बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं। इसको विजिट करते हैं और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे है ना जी, आपको दिखाते हैं कि ये सारे का सारा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है क्या ये बिल्कुल
مطابق ہے ایس او پیز کے یا مطابق نہیں ہے، یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر آج ہم بات کریں۔ ڈی ڈی ایچ او صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیس موجود ہے، سجاد کاظمی صاحب موجود ہیں اور سلمان کاظمی صاحب بھی موجود ہیں۔ وزٹ کرنے کے بعد ایس او پیز کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے مطابق جو ایس او پیز ہیں، جو محکمہ ہیلتھ کے مطابق ہے، اس کا وزٹ کیا جائے گا۔ اور کویکس کے حوالے سے بہت بڑی کمپین پروگرام تماشا جو ہے اس پر کر رہا تھا، اور یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے۔ یہ اب ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر آ گئے ہیں اور یہ آپ کو ساری صورتحال دکھاتے ہیں۔ میڈم صاحبہ بڑی کائنڈ لیڈی ہیں، وہ ہمیں اس کا وزٹ بھی کروا رہی ہیں۔ اور یہ یہاں کی صورتحال ہے، یہ روم نمبر 4 ہے۔ یہ روم نمبر آپ کے پاس ہی، یہ سارے کے سارے لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کے لیے آئے ہیں، آپ سے مسائل پوچھنے آئے ہیں۔ آپ قریب آ جائیں، سارے آپ ہی کے لیے آئے ہیں، آپ سارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پلیز آپ قریب آ جائیں۔ یہ تالا کھولیں یار، ہمیں بات کرنی ہے ان سے۔ سارے بھائی ہیں ہمارے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا صورتحال ہے۔ اور یہاں بھی ہیں، یہ بھائی جان بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا انہوں نے لاک کر کے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور اس ساری صورتحال، یہ تالا اگر مجھے کھول دیں، تالا کھول دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بالکل بیرکوں کی طرح ان کو اندر رکھا گیا ہے۔ ان سے کیا کیا یہاں کی صورتحال۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک ہیں سر۔ ایک کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟ آٹھ لوگ۔ تو بہت چھوٹا سا کمرہ ہے؟ نہیں، پورا ہے، بالکل صحیح ہے، ہم ایزی ہیں، چار چار ادھر، چار ادھر۔ ٹھیک گزارا ہو رہا ہے؟ گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ کیا کھانے میں دیتے ہیں؟ کھانے میں صبح کے ٹائم دلیا بھی آ جاتا ہے، سیویاں بھی آ جاتی ہیں، شہد بھی ملتا ہے دوپہر کو، تیل بھی ملتا ہے رات کو، اور دوپہر کو کھانا بہت اچھا ملتا ہے۔ بس آپ کو ٹھیک چل رہا ہے؟ تین روٹیاں ملتی ہیں دوپہر کو، رات کو تین چار، جتنی کھائیں۔ آپ کی کیا عمر ہے بیٹا؟ میری سر 18 سال۔ تو آپ کو لاک کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ تو جیل میں ہیں اس طرح، تو یہ تو جیل ہے۔ میں تو نشہ کرتا ہوں نا، میرے گھر والے ایڈمٹ کرا کے گئے ہیں۔ یہ سب والے گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں سب کو؟ جی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو گھر والے چھوڑ کے نہ گئے ہوں؟ جی۔ آپ کو بھی گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں؟ جی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کہاں کے ہیں آپ؟ میں اندرون بھاٹی۔ کتنی دیر سے نشے میں لگے ہیں؟ مجھے ہو گئے ہیں 5 سال۔ 5 سال سے نشے میں؟ جی۔ اور 5 سال سے آپ یہاں جو ہے، اور ایڈمٹ کتنی دیر سے یہاں؟ مجھے 3 منتھ ہونے لے ہیں۔ تو کیا ادھر سکھاتے ہیں آپ کو؟ کچھ نہیں، دماغ ریلیکس۔ میڈم آ کے ہمیں لیکچر دیتی ہیں کہ آپ نے نشے سے کیسے ٹھیک رہنا ہے، کیسے بیٹھ جاؤ، سگریٹ نشے کی پہلی پوڑی ہے، سگریٹ پہ نہیں چڑھنا، آپ نے سگریٹ نہیں پینا، یہ تو۔ اور کیا سکھاتے ہیں؟ اور بس یہ 5 نماز وغیرہ سکھا رہے ہیں۔ نماز نہیں ہمیں آتی تھی، نماز ہمیں سکھائی ہے انہوں نے، 5 وقت کی نماز۔ یہ قاری صاحب ہمارے کھڑے ہیں، یہ ہمیں نماز۔ السلام علیکم قاری صاحب، نماز آپ پڑھاتے؟ قاری صاحب نہیں، ویسے ہی آپ کو شوق ہے، دین سے آپ کا شغف ہوگا بہت زیادہ، اس وجہ سے آپ ان کی ہیلپ کرتے ہو؟ جی جی۔ اچھا، کچھ نہیں، بس دعائیں کروں، 6 کلمے اور میں اپنا نماز اتل گڈ سے وغیرہ، یہی کچھ بس۔ تو آپ ادھر پرسکون ہیں، کوئی مسئلہ؟ کھانے میں کیا مینیو آپ کو دیتے ہیں؟ کھانے میں یار، یا آپ چونکہ آپ اسلام کو پریچ بھی کرتے ہیں، یہاں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ سے ہمیں توقع ہے کہ آپ بالکل سچ بولیں گے، جیسے یہ باقی دوست جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کھانے پینے میں ادھر کیا کرتے ہیں، کیا مینیو آپ کو دیتے ہیں، اور بیسیکلی آپ کو ادھر ڈسٹربنس کیا ہے؟ ڈسٹرب کچھ بھی نہیں، ہمیں صبح کے ٹائم اچھا دلیا ملتا ہے، کسی وقت سیویاں ہو جاتی ہیں، دوپہر کے ٹائم کبھی سبزی وغیرہ ہو گئی، کبھی مٹن وغیرہ ہو گیا، اور کبھی دال گوشت وغیرہ ہو گیا، اور رات کے ٹائم ہمیں دودھ ملتا ہے، اس کے بعد اولیو آئل ملتا ہے میڈیسن کے بعد، یہ چیز۔ دس اٹ۔ تو اور بیہیویئر کیسا ہے ان سب کا؟ بیہیویئر بہت اچھا ہے، میڈم لیکچر دیتی ہیں۔ ہارون صاحب، آپ اسسٹنٹ ہیں یہاں؟ جی میں ورک۔ آپ سارے بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں سب کو؟ جی الحمد للہ، پیار کرتے ہیں، کسی کو مسئلہ نہیں؟ سب بھائی ہیں ہمارے، بھائی ہیں۔ تو آپ نشہ کون کون سا کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں افیون کا۔ تو آپ کتنے دن ہو گئے، آپ نے کتنے دن ہو گئے نشہ نہیں کیا؟ مجھے 4 دن ہو گئے نشہ نہیں کیا۔ 4 دن پہلے کیسے کیا؟ 4 دن پہلے میں باہر تھا۔ تو ابھی 4 دن ہوئے آئے؟ 4 دن ہوئے۔ تو اب 4 دن گزارا کیسے ہوا ہے؟ یہ میڈیسن ان کی اتنی اچھی ہے نا۔ کیا میڈیسن دیتے ہیں؟ تو آپ کے ذریعے نہیں بھجواتے کہ میڈیسن دے آئے، خود دیتے ہیں آپ؟ بنا کے خود دیتے ہیں۔
मैडम खुद मेडिसिन लाते हैं, बना के खुद देते हैं, मैं तो वर्कर हूँ, मैं तो मैडम खुद देते हैं मेडिसिन, मेडिसिन खुद देते हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ तालुक है आपका? मैं पिंडी बटिया। आप पिंडी बटिया से? लाहौर हाईकोर्ट मुलाजिम हूँ, पिंडी बटिया से रहने वाला। तो ये नशे पे कैसे लगे आप? नशे में बस की वजह से लग गया। क्या हुआ था? की वजह से लग गया। किसने लगाया? कौन शरीक कौन थे, दोस्त कौन थे? कोई दोस्त नहीं था। खुद ही लगे? खुद ही लगे। तो अब आपको लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे? मैं पहले भी इलाज करवा के गया हूँ, 8 साल ठीक रहा। कहाँ से करवाए थे? इधर से। पहले भी आए थे इधर? हाँ। कितनी देर आपको लगी थी? मंथली आपको क्या पे करना पड़ता है इधर? ये घर वालों को पता, ये मुझे नहीं पता। अंदाजा तो होगा? नहीं अंदाजा किसी चीज का में, ये कोई एक टके का नहीं पता। ये घर वालों को पता है या मैडम? घर वाले छोड़ने आए थे? घर वाले साथ आए थे, सारी फैमिली आई थी। तो आप पढ़ते हैं जी? जी नहीं, मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सेलमैन ही करता हूँ। अच्छा, तो कब से आप नशे में, कब से लग गए आप? मुझे 5 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो अब हालात क्या है? बहुत अच्छे हैं हालात हमारे। और कितना आप करीब पहुंचे हैं नशा छोड़ने के करीब? और क्या ज़रूरी है, जो बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे होंगे जो नशे के आदि अफराद हैं, उनमें से बहुत सारे व्यूअरशिप वो भी होंगे जो नशा करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? विल पावर की जरूरत है, इरादे की जरूरत है, क्या जरूरत है? इरादा पक्का करें, कोई दिल मजबूत करें, हॉस्पिटल कोई देखें, ठीक है, कोई हॉस्पिटल देखें, वहाँ पर एडमिट हो जाएं, तो सब अच्छा हो जाए। हाँ जी, क्या होना चाहिए? दिल मजबूत होना चाहिए और कुछ मेडिसिन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, नशा खुद ब खुद छूट जाता है। मेडिसिन प्रॉपर हो तो? हाँ जी। मैं कितनी देर से आप नशा करते? मुझे तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए। 5 साल? तो किस वजह से आप नशे पे लग गए? बस वो कुछ घर का हादसा ऐसा था कुछ, जिस वजह से प्रॉब्लम। तो कहाँ से आप, इलाका कौन? अंदरून बाटी गेट। तो घर वाले इधर छोड़ के गए? हाँ जी। कितनी देर से अब ये मामला, तो आप समझते हैं कितनी देर में ठीक हो जाएंगे? बस 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने में आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप 3 महीने के कोर्स पे इधर? हाँ जी। कितनी देर हो गई आपको? मुझे तकरीबन 2 माह हो चले। तो 2 माह में नशा नहीं आपने किया? नहीं किया। बिल्कुल करीब भी नहीं गए? बिल्कुल नहीं। सिगरेट वगैरह भी नहीं? नहीं पी। यहाँ अवेलेबल तो नहीं है नशा? नहीं, किसी भी तरीके से? बिल्कुल हैप्पी हैप्पी। तो क्या करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, क्या करते हैं? टीवी साथ वाले कमरे में है, जब दिल करे जाके देख लेते हैं। टीवी हमारा टीवी खराब हो गया था, वो ना टांग लग गई थी, गिर गया। मूवीज वगैरह भी देखते हैं जी? गाने वगैरह, मूवीज। कौन से गाने सुनते हैं आप लोग ज्यादातर? पंजाबी से गाने सुन लिए। आता है आपको गा लेता है गाना जी? किसी को गाना आता है? गाना आता है किसी को? नहीं, हम में से तो किसी को नहीं आता। साथ वाली वार्ड में कोई गुलगार है जी? वो लड़का कोई है गाना? वार्ड में किसी को नाद आती है? नाद नहीं, वो डिस्चार्ज हो गया लड़का। वो बंदा चला गया डिस्चार्ज, उसके घर जाना पड़ेगा जी। गाना इसे आता है। अब गा लेते हैं, गाए यार थोड़ा सा, क्या मसला? मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, हो जले मन मेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू बितर से, तुम बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाइयों पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। बहुत शुक्रिया आपका।